भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवा टेस्ट ओवल लंदन में जो खेला जा रहा है, पहला दिन तो बड़ा ही दिलचस्प रहा। 198 पर 7 विकेट पर पहला दिन का खेल समाप्त हुआ और एक समय ऐसा लग रहा था अजीत आगरकर के 123 पे एक विकेट जब टी टाइम का ब्रेक लिया गया, उसके बाद तो लग रहा था कि इंग्लैंड रन बना ही लेगी, अचानक 6 विकेटें गिर गई लास्ट सेशन में। बिल्कुल, आई थिंक थोड़ा सा स्ट्रेंज दिन था क्योंकि शुरू हुआ जब पिच बिल्कुल फ्लैट लग रही थी, लंच के बाद बॉल स्विंग करना स्टार्ट हो गया और भारत का गेंद तेज़ गेंदबाज, तीनों तेज़ गेंदबाज और रविंद्र जडेजा जो अश्विन की जगह टीम में आए, उन्होंने सपोर्ट रोल प्ले किया और 2 विकेटें भी ली। बट भारत के तीनों तेज़ गेंदबाज जिस तरह से उन्होंने पहले 4 टेस्ट में गेंदबाजी की है, उसी तरह सीरीज़ हारने के बाद थोड़ा सा एक थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट होती है वो बिल्कुल नज़र नहीं आई और बिल्कुल जैसे पहले 4 टेस्ट में गेंदबाजी कर रहे थे उसी तरह एक विकेट टी तक जाने के बावजूद इंटेंसिटी वही थी और उनका डिजर्विंग रिजल्ट टी के बाद मिला। और कभी कभी लगता है कि जैसे सीरीज आगे जाते रहते हैं कि फास्ट बॉलर सबसे ज़्यादा थकने वाले हैं, उन्होंने सबसे ज़्यादा मेहनत की। बैट्समैन की अगर बात करें तो इंडिया की बैटिंग की वजह से ये सीरीज शायद आप कह सकते हैं कि हार चुके, लेकिन इस तरह का जो हौसला रहा, जिस तरह की इंटेंसिटी थी, जो दिन भर उन्होंने भले ही एक सेशन में विकेट भी ना मिली हो बीच वाले सेशन में, जिस तरह उन्होंने डाली, आपको तो बड़ी खुशी हुई। बिल्कुल, क्योंकि यू नो आप अगर कोशिश करते रहो तो इवेंचुअली आपको रिजल्ट मिलता है। बॉल थोड़ा सा स्विंग हुआ लंच के बाद, लेकिन जो इंटेंसिटी थी और कंट्रोल दिखाया तीनों सीमर्स ने और कंसिस्टेंसी पूरे दिन, लंबे स्पेल डाले, शमी ने एक बार 9 ओवर का स्पेल डाला, ईशांत ने 20 से ज़्यादा ओवर डाले, बुमराह ने 20 से ज़्यादा ओवर डाले और वो आखिरी टेस्ट में भी अगर आप दिखा सकते हो तो भारत के लिए बहुत अच्छे साइन है। भाई बड़ा ही दिलचस्प रहा ये पहले दिन का खेल और देखते हैं अभी आगे क्या होता है इस टेस्ट मैच में। अजीत आगरकर की एनालिसिस के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं ESPNcricinfo मैच डे पर। If you liked what you just saw and want more, click here to subscribe.